अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ बलोची चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 1 कप दही चाहिए, 1 बड़े साइज़ की प्याज ले लें, और अगर आपके पास छोटे साइज़ की प्याज है तो वो आप 2 ले लें, लेकिन प्याज हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, और इसको रफली काट के रख लें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 6 अदद हरी मिर्चें ली, बहुत छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने 6 ली हैं। अच्छा, मसाला जात हमें नमक टेस्ट के मुताबिक चाहिए, नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक लिए। इसमें काला नमक और जो नॉर्मल हम नमक यूज़ करते हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ कर लें या वाइट सॉल्ट, वो हाफ हाफ डालना है। तो ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर दोनों मिला के नमक लिए। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, चाट मसाला 1 टीस्पून। काले मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा हरी मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 कप ऑयल। चलिए बलोची चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिए, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल में सबसे पहले प्याज और ये हरी मिर्ची थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और हरी मिर्चें भी हम निकाल लेंगे। प्याज को थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे, यानी थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। अब जो हरी मिर्चें हमने फ्राई की थी और ये प्याज, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम चिकन फ्राई कर लेंगे। सारी चिकन मैंने फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दी है। चिकन फ्राई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। हरी मिर्च और प्याज मैंने एक ब्लेंडर में डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। प्याज और हरी मिर्चें ग्राइंड हो चुकी हैं। इसी ऑयल में हम 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक चिकन के साथ भूनेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अदरक लहसुन के साथ मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और अब हरी मिर्चों और प्याज का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छी तरह से और चम्मच को साथ में हिलाते जाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए और अब मैं इसमें डालूंगी तमाम मसाला जार। मसाला जार डालने के बाद यहाँ पर मैं मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाऊंगी।
दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही डाल के इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। चार से पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच में 2 से 3 दफा हिलाएंगे। इसी दही में चिकन हमारा गल जाएगा। 25 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन उठाकर चेक कर लेते हैं चिकन हमारे गल गया या नहीं। चिकन आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से गल चुका है, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। बलोची कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसके ऊपर हम हरे धनिया के साथ गार्निशिंग करेंगे। आप इसको रोटी, चपाती या नान के साथ, जिसके साथ खाना पसंद करें आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।